जब हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से दोस्तों सर्जरी करते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं कि यार ये तो कि फॉरेन मटेरियल है, ये इन्फेक्शन कर देगा। तो दोस्तों स्क्रू सर्जरी के अंदर फीमर के अंदर बटन लगता है। अब बटन आपका एंडो बटन भी लग सकता है, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो एडजस्टेबल लूप नहीं है, फिक्स लूप है, मतलब बटन और ग्राफ के बीच की डिस्टेंस बदलती नहीं है, ये एंडो बटन है। एडजस्टेबल बटन में जब दो धागे खींचते तो बटन ग्राफ के पास आता रहता है, ऑटोमेटिक लूप लगता है, ये एडवांस बटन है। दोनों ही बटन के अंदर दोस्तों फाइबर है। स्क्रू सर्जरी में जो लिगामेंट बनता है वो टेंडन से बनता है, वो चार टेंडन के धागे होते हैं, उनको आपस में बांधना पड़ता है, वो भी फाइबर है। आपका जो लिगामेंट है उसको नीचे से खींच के रखोगे तभी स्क्रू डाल पाओगे, वो हाथ में पकड़ने के लिए फाइबर है। तो स्क्रू सर्जरी में भी बहुत सारा फाइबर लग रहा है। ऐसी कोई सर्जरी नहीं है दुनिया में एसीएल की जिसमें फाइबर नहीं लगता। ये वही फाइबर है जो फाइबर टेप का फाइबर। सो कोई फर्क नहीं है इन्फेक्शन रेट में, इन्फेक्शन रेट में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो कराओ या ये कराओ, इन्फेक्शन रेट बढ़ते हैं अगर आपका सर्जिकल टाइम बढ़ रहा है तो, अगर आपका ओटी अच्छा नहीं हो तो, या आपको खुद के अंदर इन्फेक्शन है वो आके लग गया, सो अलग रीजन से, पर फाइबर टेप से इन्फेक्शन हो रहा है ये बिल्कुल गलत है बोलना। दूसरा, अगर मैंने अंदर प्रोटेक्शन दे दिया आपको फाइबर टेप का तो मुझे बाहर प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, तो मैं जल्दी रिकवर करता हूँ। मतलब स्क्रू सर्जरी में जहाँ पर 3 to 4 weeks तक वॉकर चाहिए, आपको पट्टा चाहिए, आप काम में नहीं जा पा रहे, आपका नी बैंड बहुत लेट हो रहा है, वहीं इस सर्जरी में आप अगले दिन से पूरा वजन देके चल सकते हो। आपका पैर लगभग 90 to 100 degree बैंड रहता है, आपको ब्रेस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने इंटरनल ब्रेस बना रखा है। सो अब नॉर्मल एक्टिविटी में अगर आपका सिर्फ ACL रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर हुआ और मेनिस्कस का कोई रिपेयर नहीं हुआ है, सो नॉर्मल एक्टिविटी में आने में आपको सिर्फ 7 to 10 days लगेंगे। आपको 2-3 महीना वेट करने की जरूरत नहीं है, आप 1 महीने में जॉगिंग कीजिए, 3 महीने में रनिंग कीजिए, तो बहुत जल्दी आप एक्टिविटी में आ जाएंगे, री इंजरी के चांसेस कम होंगे, पेन किलर्स खाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल है, आप डाउटफुल हैं, तो आप आर्थरेक्स की वेबसाइट देख सकते हैं या आप ACLTier.com वेबसाइट देख सकते हैं, उसमें आपको सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे दुनिया भर के डॉक्टर्स के, कि आखिर ACL रिपेयर PCL रिपेयर क्यों ज़्यादा हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, क्यों लोग इंटरनल ब्रेस ज़्यादा कर रहे हैं। आप हमें अपनी हमारी रिपोर्ट भेजिए और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा है। हम रखें आपका ख्याल। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।